साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगर संग्राम। तो निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे में जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसी बीच बसपा प्रत्याशी सुनील शर्मा भी थोड़े समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक जीवन पर एक नजर डालें तो वो अध्यक्ष पद के लिए एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वो बतौर समाजसेवी भी काम कर चुके हैं और लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। तो निकाय चुनाव की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो और बसपा ही क्यों ना हो, तमाम पार्टी के प्रत्याशी अब अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक तबके को साधने की कवायद भी तेज हो गई है। तो अध्यक्ष पद के दावेदार, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और समाज सेवी के रूप में भी काफी ज्यादा सुनील शर्मा ने अपनी पहचान बनाई है। यही वजह है कि बसपा ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। चुनाव को लेकर अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ हरदोई से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, पहले तो मैं आपका प्राइम टीवी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी सुनील जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो सुनील शर्मा जी से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रचार प्रसार भी उतनी ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। जिस तरीके से इस वक्त यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, ठीक उसी तरीके से इस वक्त निकाय चुनाव की रणनीतियों में भी बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है और निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है लोकसभा के चुनाव से पहले, क्योंकि निकाय चुनाव एक आम जनता का चुनाव होता है, हर एक एक तबके का चुनाव होता है, एक वार्ड का चुनाव होता है और हर एक मोहल्ले का चुनाव होता है, जिससे जो सभी पार्टियां हैं वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो जनता है उसका झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा है, जो जनता है वो किस पार्टी को और किस प्रत्याशी को ज्यादा पसंद कर रही है। तो बसपा प्रत्याशी सुनील शर्मा समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने, अगर इनके कार्यों की बात करें तो इन्होंने ठंड में कंबल वितरण किया था, खिचड़ी भोज समेत होली पर घर घर कलर भी भिजवाया था। हर धर्म और समाज के लोग इनके कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं, यही वजह है कि इन्हें जनता का भी समर्थन मिल रहा है और बसपा ने भी इन्हें अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा और अगर नेता नहीं तो बेटा की थीम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ सुनील शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक बार फिर से मैं आपका प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी सुनील जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सुनील जी, निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है और आपने बतौर समाज से भी अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आप इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो जनता का समर्थन आपको कैसा मिल रहा है? जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है हमको, जनता हमारे साथ है कि जनता को। कांग्रेस से हमने बहुत बड़ी मेहनत की थी, बहुत अच्छी जमीन तैयार की थी, कांग्रेस के कुछ दलालों ने मेरा टिकट काट दिया, जनता को बहुत दुख हुआ, जनता हमारे साथ है कि मैंने बसपा का दामन थामा, बसपा से टिकट मिला, बसपा से चुनाव लड़े। ठीक है सुनील जी, जब कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपने ये सोचा कि आप बसपा में शामिल होते हैं, तो बसपा में शामिल होने की बड़ी वजह क्या है? हमारे यहाँ नगर पालिका में हमारे एससी बिरादरी का अच्छा वोट है। जी जी जी,
और जनता हमारे साथ है, टिकट कटने पे भी जनता हमारे साथ थी। ये कह रही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी जमीन तैयार की है। जनता को बहुत दुख हुआ टिकट में, वो निर्दलीय में ही हमारा समर्थन कर रही थी, इसलिए मैंने बसपा का दामन थामा कि एसटी वोट से हम चुनाव बहुत अच्छा लड़े। ठीक है सुनील जी, अब आप बसपा की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जनता का समर्थन हासिल करने? हम तो नेता नहीं बेटा बन के उतरे, हमारे पोस्टर में लिखा है नेता नहीं बेटा, तुम बेटा बन के काम करेंगे। नगर पालिका में नालियों है, सड़क है, स्वच्छ सफाई है, हमारे यहाँ मंडी लगने के लिए जगह नहीं है, ऑटो रिक्शा खड़ी करने के लिए जगह, इन मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी सुनील जी, जब मैं आपके बारे में जानकारी हासिल कर रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि आपने बतौर समाज सेवी भी काम किया है, उसके बाद आप राजनीति में आए, तो आपका ये सफर कैसा रहा एक समाज सेवी के बाद से एक राजनीति में आने तक का? सफर बहुत अच्छा रहा, मैंने पब्लिक बहुत सेवा की, जनता की बहुत सेवा की। आज भी जो है कहीं जाते हैं, खड़े होते हैं चौराहे, गाड़ी खड़ी होती, बैठा ले जाते हैं, किसी का कुछ कराना, कहीं हॉस्पिटल पहुंचाना, ये बराबर हमारा चलता है। ठीक है, तो इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी का प्रत्याशी आपके लिए चुनौती बन सकता है? नहीं नहीं, मेरा चुनाव सीधा हो रहा है। ठीक है, सीधा चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर आपने अपने जो क्षेत्र है वहां का जब आपने भ्रमण किया होगा तो आपको कौन कौन सी कमियां दिखाई दी जिस पर आप सबसे ज्यादा इस चुनाव को जीतने के बाद फोकस करेंगे? सबसे ज्यादा शहर में जो हमारी नगर पालिकाओं की जमीन लोग कब्जा किए हुए हैं, हमारे यहाँ सब्जी उसकी मंडियां नहीं है, और नालों की गंदगी है, बिजली का है, ये सब लेके जो है जनता के स्वास्थ्य सेवा है, यही सब कमियां है, शिक्षा है। ठीक है सुनील जी, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि आप इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन आप युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे, क्योंकि युवा जो है वो जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? जी जी जी, युवाओं के लिए जो हमारे लायक होएगा वो हम करेंगे, क्योंकि भाई केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तो बनानी नहीं जो हम उनको आश्वासन दे दें हम ये नौकरी लगवा देंगे, करवा देंगे, वो तो भाई हम कर नहीं सकते। जो हमारे लायक नगर पालिका में है वो उनके साथ हम करेंगे। ठीक है सुनील जी, आप बतौर समाज सेवी भी काम कर चुके हैं, अपने कामों पर एक बार प्रकाश डालिए कि आपने किस किस तरीके से काम किया है और आप कितने सालों तक जनता से जुड़े रहे हैं। तो सुनील शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको सुनील शर्मा के बारे में बता दूं तो वो बसपा प्रत्याशी हैं और समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ठंड में इन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया और खिचड़ी भोज समेत होली पर भी हर एक घर में इन्होंने रंग भिजवाया था ताकि हर एक परिवार, हर एक घर होली के त्यौहार को मना सके। वही हर धर्म और समाज के लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। चूंकि पहले ये कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और लगातार ये लोगों के बीच भी रहे हैं, तो जब इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो फिर जब ये भाजपा में बसपा में शामिल हुए तो इन्होंने बसपा से अपनी दावेदारी पेश की और जहां बसपा ने इन पर भरोसा जताया और फिर ये अब बसपा से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सुनील जी, बसपा ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, आप उस भरोसे पर खरा उतरने में कितने कामयाब होंगे, क्या लगता है? 100% उम्मीद। जी सुनील जी, ये 101% खरे उतरने की उम्मीद। ठीक है सुनील जी, जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका जो क्षेत्र है वो विकास से कितना अछूता रह गया और इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार हमारे जो पिछले चेयरमैन रह चुके हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है सुनील जी, जब भी चुनाव पास आता है तो अक्सर जो तमाम प्रत्याशी हैं या यूं कहे कि जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, लेकिन 5 साल के बाद और 5 साल तक वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, तो लोग अभी भी यही सोचते हैं, तो लोगों की सोच बदलने के लिए आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं?
पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और बराबर बने रहते हैं जनता के बीच में। और कहीं भी जाते हैं बस भाई यार बच्चा बच्चा ये कहता नेता नहीं बेटा। बिल्कुल, तो नेता नहीं बेटा के रूप में आप वहां की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, और अगर जनता ने आप पे भरोसा जताया तो वो दो बड़े काम जी कौन से होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है जो नगर पालिका के लिए जो है, और ऑटो रिक्शा खड़ी करने की जगह नहीं है, नगर पालिका की जमीन लोग कब्जा करें उनको मुक्त कराना है, उनपे सब्जी मंडी बनानी है, मेन मुद्दा ठीक है, ये। महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे अगर महिलाओं ने आप पर भरोसा जताया तो? महिलाओं के लिए वही वृद्धा पेंशन है जो महिलाओं के लिए होता है वो करेंगे, जो हमारे लायक होएगा सेवा करने में कसेगा। ठीक है, आप जब जनता के बीच जाते हैं तो जाहिर जी सी बात है कि आप कई ऐसे भी क्षेत्रों में गए होंगे जहां पर विकास नहीं हुआ, तो 5 सालों में आपको क्या लगता है कौन सा काम हो जाना चाहिए था जो आपके क्षेत्र में नहीं हुआ? 5 सालों में वही क्षेत्र में काम रहे हो, कहीं कहीं ऐसा है रोड नहीं बनी हुई, कीचड़ भरा हुआ है, की सड़कें हैं पब्लिक को निकलने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है और 4 को वोट डाले जाएंगे, तो आप जो है वो कितना समर्थन जनता का मिल रहा है आपको? जनता का समर्थन हमको फुल मिल, अच्छा, अगर आपको जनता का समर्थन पूरा मिल रहा था तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप बसपा में शामिल हुए, तो आपने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों नहीं सोचा? इसलिए कि पार्टी का थोड़ा सिंबल हो जाता तो थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, अब आपके साथ बसपा का नाम जुड़ गया है, तो बसपा को लेकर जो लोग हैं वो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आपको, क्योंकि अब आपके साथ एक बड़ी पार्टी का नाम है, एक बड़ी पार्टी का सिंबल भी है? माहौल एकदम बदल गया है बसपा में। अभी तक लोगों में उदासी, जनता में उदासी थी कि अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है। जिस दिन से ये टिकट हुआ है उस दिन से जनता में हमारी जो है बिरादरी में बहुत एकदम उत्साह हो गया है। ठीक है, सुनील जी, जब आप समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे थे फिर आपने राजनीति में आने का सोचा, तो वो आपकी पूरी जर्नी किस तरीके से रही? आपके दिमाग में ऐसा क्या कुछ आपने देखा या दिमाग में आपके क्या कुछ आया कि आपको लगा कि नहीं, अब आपको राजनीति करनी है? राजनीति हमको देखने भी पब्लिक जब जाती थी थाने में, गरीब आदमी गाली गलौज दे के भगा दिया जाता था, देख के दर्द होता था, इसलिए हमने सोचा कि जनता की सेवा करें, साहित्य सेवा करें। वो तो आप बतौर समाज सेवी भी कर सकते थे, लेकिन राजनीति में अचानक से आना, क्या आपके लिए ये मुश्किल था या चुनौतियों से भरा था? राजनीति में थोड़ा सहारा मिल जाता है, ये जो है राजनीति का सहारा। तो क्या जब आप अपना समाज सेवा का काम करने के साथ ही राजनीति में आए तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज में एंट्री लेते हैं, कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो चुनौतियां उसमें भरपूर आती हैं। चुनौतियां यही है, पब्लिक जो अपने खिलाफ लोग होते हैं यही करते हैं कि अब उन्होंने इनका झंडा उठाया, उनका उतार दिया, इसमें भी टिकट नहीं होगा और ये कैसे लड़ें क्या। लेकिन ठीक है, अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं चुनौतियां सामने आई, लेकिन आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? आदर्श अपने माता पिता, और अपनी राजनीति में आने का श्रेय किसे देखते हैं, और राजनीति में आप किसको एक बड़ा नेता मानते हैं जिनसे आप हमेशा प्रेरित रहे हैं? लगाव तो हमारा बहुत रहा है इसमें, लेकिन वहां कुछ दलाल ऐसे हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप राजनीति के दिग्गज नेताओं में से किसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं या रोल मॉडल मानते हैं, तो वो नेता कौन होगा? हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। सभी बराबर है आपके हिसाब से?
ठीक है सुनील जी, अब निकाय चुनाव की तारीख नजदीक है, ऐसे में आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से सहयोग समर्थन मांग रहे हैं, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं घर घर में, एक जनता से मिलते हैं, एक व्यक्ति से मिलते हैं, शाम को अभी 6 बजे 5 बजे निकलते हैं, 7 से 10 11 बजे तक घूमते रहते हैं। ठीक है, और आप प्राइम टीवी के माध्यम से क्या अपील करेंगे? सहयोग मांगेंगे, जनता सहयोग करे, जनता चुनेगी, जनता की सेवा करेंगे। ठीक है, और महिलाओं और बुजुर्गों से आप क्या अपील करेंगे? अब महिलाओं की जो वृद्धा पेंशन है, उनके जो दुख में जो स्वास्थ्य है वो है, जो सेवा कर सकेंगे सेवा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से नगर संग्राम की हमारी आज की पेशकश में हरदोई के बिलग्राम से बसपा प्रत्याशी सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जो पहले तो कांग्रेस में थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बसपा से बतौर प्रत्याशी उन्होंने बसपा ज्वाइन किया और बसपा ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो ऐसे में उनके सामने काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर बसपा ने उन पर भरोसा जताया है तो वो चाहेंगे कि बसपा की उम्मीदों पर खरा उतरे और ज्यादा से ज्यादा जो जनता का समर्थन है वो उनके पक्ष में रहे। तो नगर संग्राम की हमारी आज की पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।